नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर उमा शंकर सिंह पटेल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आइए आज हम जानते हैं डेंगू फीवर के बारे में। साथियों जो डेंगू फीवर होता है इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं या फिर डेंगू बुखार भी बोलते हैं। तो साथियों हड्डी तोड़ बुखार इसको इसलिए बोलते हैं कि हड्डियों में ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन साथियों इसको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और उसके साथ साथ लाइक एंड शेयर भी करिए। तो साथियों चलिए शुरू करते हैं। साथियों जो डेंगू फीवर होता है, डेंगू फीवर जो होता है अक्सर करके प्लेटलेट्स काउंट को घटा देता है, यानी कि जो हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी कि बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स काउंट होता है उसी को ये कम कर देता है, जिससे कि हमसे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और हम कमज़ोर होते चले जाते हैं। और उस टाइम साथियों हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, यानी कि जो भी हड्डियां हैं शरीर की, जितने हड्डियां हैं लगता है जैसे हड्डियों हड्डियों में ही दर्द हो रहा है, यानी जितनी हड्डियां हैं लगता है कि हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है। तो साथियों हड्डियों में वास्तव में दर्द होता है उस टाइम, यानी डेंगू फीवर में, तो इसको आप इग्नोर नहीं करें और यदि ऐसी दिक्कत है तो तुरंत इलाज कराएं। साथियों इस बुखार में गर्दन व हड्डियों में बेहद दर्द होता है। कहें तो जो गर्दन की हड्डियां होती हैं यहाँ पे ऐसे घुमाने वाने में बहुत तेज दर्द होता है और बाकी हड्डियों में तो दर्द होता ही है। साथियों इसको इसीलिए हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं, यानी कि हड्डी तोड़ बुखार, यानी कि हड्डियों में जो दर्द होता है लगता है जैसे हड्डियां टूट रही हैं, इस तरह से इसी के नाम पे जो है कि इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। तो साथियों इसकी जो मुख्य दवाएं हैं उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू टिप्स भी बताना चाहूँगा जो कि आपको आगे मैं प्रेषित कर रहा हूँ। साथियों इसमें जो मुख्य रूप से घरेलू उपाय है उसमें साथियों है पपाया लीफ, यानी जो पपीता की पत्तियाँ होती हैं उसको आप पीस करके या चाहे मिक्सर में घुमा करके आप उसको पानी में मिला करके, थोड़ा सा पानी में मिला करके पीजिए, जो कि बहुत ही आराम देती हैं, सुबह शाम लीजिए, बहुत ही अच्छा काम करती हैं। साथियों कहते हैं कि इसको हिमोरेजिक डेंगू भी बोलते हैं। साथियों जब प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है तो हिमोरेज यानी कि ब्लड का निकलना भी शुरू हो जाता है, कहीं आँत में निकल आते हैं तो कहीं ब्रेन में भी निकल सकता है। तो साथियों कभी कभी यदि कहीं थोड़ा सा भी हल्का सा कट हो गया तो भी बुखार आ जाता है, और इसलिए इसको जो है कि हिमोरेजिक फीवर भी बोलते हैं, यानी कि हिमरेज हो जाता है और उस टाइम खून निकलना बंद नहीं होता है और उससे भी मरीज मर सकता है। तो साथियों इसमें मुख्य रूप से पपाया लीफ ही है, जो कि पपाया लीफ देने से बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। साथियों इसमें दर्द निवारक गोली नहीं देना चाहिए, सबसे मुख्य अहम बात है इसमें कि डेंगू फीवर में दर्द निवारक गोली अक्सर करके नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो जो है कि प्लेटलेट्स काउंट जब घटा रहता है तो उस टाइम जो हेमरेज होता है यानी जो ब्लड निकलना होता है उसको और बढ़ा देता है। इस वजह से साथियों इसको परहेज करते हैं। साथियों चलिए अब होम्योपैथिक दवाओं की तरफ बढ़ते हैं। साथियों जो होम्योपैथिक दवाएं होती हैं इसमें, होम्योपैथिक दवा में मुख्य रूप से साथियों इसमें मैं बता दूंगा आपको यूपेटोरियम परफोलिएटम है, ये देखिए यूपेटोरियम परफोलिएटम। साथियों इसको 200 सीएच में आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम रिपीट करना है, यानी कि 200 पोटेंसी में सुबह कहें तो दो बूंद सुबह में, दो बूंद दोपहर में और दो बूंद शाम को तीनों टाइम देना है, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आएगा। साथियों इसके साथ साथ आपको जेलसीमियम, लेकिन इसके सिम्टम को कुछ जान लीजिए साथियों। जो यूपेटोरियम परफोलिएटम का जो सिम्टम है साथियों, इसमें जो कि हड्डियों में बहुत दर्द होता है और उसके साथ साथ ठंड भी लगती है, उसके साथ साथ पीठ में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है, उसके साथ साथ पित्त विकार जिसे बोलते हैं, जैसे उल्टी महसूस होना या उल्टी हो जाना, उसके साथ साथ दस्त भी होती है। तो साथियों उसमें आपको यूपेटोरियम परफोलिएटम देना है। साथियों दूसरी दवा आती है जेलसीमियम। साथियों जेलसीमियम इसको जो है कि मांसपेशियों में अत्यधिक दर्द, यानी कि जो मांसपेशियां हैं उसमें ज़्यादा दर्द होती है, सुस्ती महसूस होती है, उस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, यानी कि ऊँघना, आप बैठे हैं तो ऊँग रहे हैं, और उसके साथ साथ आई जो होती है, आंख जो होती है, उसकी पलकें अपने आप गिर जाती हैं, तो उस टाइम आपको जेलसीमियम देना है। साथियों चुपचाप लेटे रहने की इच्छा होती है, यानी कि बिल्कुल टहलने फिरने की या कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो आपको जेलसीमियम ही देना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। साथियों तीसरी दवा आती है बेलाडोना। साथियों देखिए तीसरी दवा है बेलाडोना।
साथियों बेलाडोना को भी उसी तरह यूज करना है जैसे मैंने आपको बताया यूपेटोरियम को। साथियों इसमें जो है कि आंख यानी आंख आप देखेंगे और चेहरा देखेंगे तो रेडनेस आ जाती है यानी लाल पूरा हो जाता है चेहरा, उसके साथ साथ सर में तेज दर्द भी होता है। साथियों सर में तेज दर्द और उसके साथ साथ बुखार भी तेज होता है, कमर में भी दर्द होता है, तो आपको बेलाडोना यूज करना है। यानी बेलाडोना को 30 CH में साथियों आपको 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम लेना है, जिससे कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। साथियों उसके बाद मैं आपको बता दूं रस्टाक्स। साथियों ये देखिए रस्टाक्स है, रस्टाक्स जो कि साथियों बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें बेचैनी रहती है। अगर आपको हिलने डुलने में कोई असकत नहीं लगती, आपको घूम रहे हैं, बुखार तो है, हड्डियों में दर्द है, लेकिन आप घूम रहे हैं, तो उस टाइम आपको रस्टाक्स भी देना है। साथियों यदि घूमने फिरने से आराम मिलता है, आप टहलते फिरते हैं तो आराम मिल जाता है, तो उस टाइम आपको रस्टाक्स देना है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगी। साथियों रस्टाक्स जो होती है बहुत ही अच्छी दवा है, जो कि बहुत ही फायदेमंद भी होती है। और उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं ब्रायोनिया। साथियों देखिए ब्रायोनिया अल्बा है, साथियों ब्रायोनिया अल्बा को भी 30 CH में 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम को, सभी को साथियों 2 बूंद दोपहर में, सॉरी 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर और 2 बूंद शाम को तीनों टाइम देना है। यानी कि सुबह दोपहर शाम तीन टाइम यूज करना है, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। साथियों ब्रायोनिया दवा जो है कि बहुत ही अच्छा काम करती है, लेकिन उनको जिनको ज्यादा प्यास लगती हो, यानी कि बुखार तो है, हड्डियों में दर्द तो है, उसके साथ साथ बहुत ही अधिक प्यास लगती है, शरीर में दर्द हो, हिलने डुलने से रोग और बढ़ जाता है, लगता है कि और हमारी दिक्कत बढ़ जाती है, तो उस टाइम आपको ब्रायोनिया देना है। साथियों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है, तुरंत आपको इसका इलाज कराना है, क्योंकि इससे साथियों यदि शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो भी दिक्कत पैदा हो जाती है। यानी कि पानी की कमी भी नहीं होना चाहिए, आपको डॉक्टर से सलाह लेते रहना चाहिए, और यानी कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, आपको पेशाब लगातार या फिर कहें तो नॉर्मली होती रहनी चाहिए, पेशाब बंद हो जाती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लीजिए, नहीं तो जान का खतरा भी हो सकता है। तो साथियों ये सब चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ही आपको केयरफुली डेंगू फीवर में यानी कि कहें तो हड्डी तोड़ जो बुखार होता है इसमें बहुत केयरफुली रहना पड़ता है, क्योंकि ये कभी भी अटैक से किसी की भी जान जा सकती है। तो साथियों इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डेंगू फीवर में आप बिल्कुल ही यानी कि बिल्कुल ही आप ये कहें कि जैसे आप सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आराम कर लें तो आराम हो जाएगा, लेकिन नहीं साथियों, इसके लिए तुरंत आप इलाज कराइए। इलाज में तुरंत देरी नहीं करना चाहिए, इसमें अगर देरी आप करते हैं तो हालत और बिगड़ती चली जाती है। साथियों इसमें एक दवा और आती है, मैं आपको बता दूं कि कैरिपाया। साथियों कैरिका पपाया जो होता है उसका मदर टिंचर यानी क्यूब लेते हैं, यानी कि कैरिका पपाया का साथियों हमारे यहाँ बाटल बाटल आता है, खत्म हो जाता है, उसको मैं इस पे लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। साथियों कैरिका पपाया जो होता है इसको आप 20 बूंद सुबह में, 20 बूंद दोपहर में और 20 बूंद शाम को पानी में डाल के लीजिए, जो कि बहुत ही अच्छा रिस्पांस आता है। इससे इसका मेन कारण यही होता है साथियों, जो मैंने आपको बताया कैरिपाया यानी पपाया की लीफ को पीस कर पीने के लिए, तो कैरिपाया की ही रस होता है, इसको आप पियेंगे तो प्लेटलेट्स काउंट बढ़ जाते हैं, यानी कि ये मुख्य कारण यही होता है। साथियों चलते चलते मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाए और आप उसको देख पाएं। तो साथियों बस इतना ही, जय हिंद, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।